बच्चों, निराला जी की ये अगली कृति अट नहीं रही है, बहुत ही खूबसूरत कृति है। इसमें निराला जी ने फाग मास के सुंदरता का वर्णन किया। फागुन में जब फाग मास आता है, हिंदी महीना होता है नाम फाग मास, ये फरवरी मार्च के मध्य का समय होता है। हिंदी कैलेंडर में आप देखेंगे हिंदी में फागुन लिखा होता है, तो ये उसी महीने के बारे में यहाँ पे बताया। उस महीने में जो सुंदरता होती है प्रकृति की, उसके विषय में निराला जी ने बहुत ही खूबसूरती से हमें अपनी कविता के माध्यम से बताया है। फागुन में क्या होता है बच्चों, फागुन में चारों तरफ हरियाली, नए नए फूल आते हैं पेड़ों पर, सरसों के फूल पीले पीले, हरियाली चारों तरफ होती है। और फागुन के महीने में ही शिवरात्रि, शिव जी का पर्व आता है, त्यौहार यानी कि शिवरात्रि होती है, होली आती है, ये सारे। अब उस समय बहुत अच्छा मौसम होता है, ना ही गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ना ही बहुत ठंड होती है, मतलब बहुत सुहाना मौसम होता है कि उसमें हमें खो जाने को दिल करता है। तो इसी की सुंदरता को यहाँ पे निराला जी ने अपने शब्दों में बताया। आइए इसे हम पढ़ते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, अट ना अट का अर्थ है यहाँ पे समाना, कि फागुन की जो आभा है, यानी कि फाग महीने की जो आभा है, जो सुंदरता है, वो मेरे अंदर समा नहीं रही है, तन में, मेरे तन में समा नहीं रही है, इतनी ज़्यादा है मात्रा में कि मैं चाहकर भी उसे खुद के अंदर समा नहीं पा रहा हूँ। सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कि ये जो फागुन की आभा है, ना अट रही है ना सट रही है मेरे अंदर, चाहने के बाद भी इतनी ज़्यादा है, घर कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, यानी कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। जैसे मैंने अभी बताया कि उस समय नए नए पत्ते आते हैं, नए नए फूल आते हैं, चारों तरफ जब प्रकृति में फूल होते हैं, फूलों की खुशबू होती है, जब हवा चलती है वो खुशबू हर घर में भर जाती है। तो ये कहते हैं कि घर घर सांस लेते हो, हर घर में खुशबू भर जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांसों के साथ वो खुशबू हमें समाने लगती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, यानी कि इतना अच्छा वातावरण हो जाता है कि ऐसा लगता है हर किसी के अंदर पंख आ गए हो, हमारा दिल करता है आकाश नभ यानी कि आकाश में उड़ने का, हमें खुद को ऐसा महसूस होने लगता है, इतना अच्छा मौसम होता है कि हम उड़ रहे हो जैसे। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, अब मैं अगर इस प्रकृति के सौंदर्य से आँखों को हटाता हूँ, कुछ क्षण के लिए अपनी आँखें बंद करना चाहता हूँ, नजरें चुराना चाहता हूँ, तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि सौंदर्य होता ही इतना है। इस अगली पंक्तियों में देखिए क्या कहते हैं निराला जी, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। अब जब नए नए पत्ते आ रहे हैं पेड़ों पर, पौधों पर, नए नए फूल आ रहे हैं, तो आपने देखा है कहीं पे फूलों का रंग दिख रहा है, कहीं पर पत्ते भी बच्चों अलग अलग, हरे रंग के पत्ते तो होते हैं, लाल रंग के भी होते हैं कुछ वृक्षों के पत्ते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उन्हीं पत्तों की बात नहीं हुई है, यहाँ पे पुष्पों की भी बात कर रहे हैं इसमें निराला जी, कि कहीं पर पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, ऐसा लगता है कहीं पे हरा रंग है कहीं पे लाल रंग है, मतलब वातावरण बहुत सुहाना लगता है, प्रकृति बहुत सुंदर लगती है। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, अब देखिए उर का अर्थ मैंने आपको बताया हृदय होता है, मंद हल्की हल्की गंध पुष्पमाल, फूलों की माला की जो गंध है हल्की हल्की, कहीं पर पड़ी है, कहाँ, किसके हृदय में, प्रकृति के हृदय में ऐसा महसूस होता है कि फूलों की माला और उसकी गंध प्रकृति के हृदय में है। पाठ पाठ शोभा श्री की पट नहीं रही है, पाठ पाठ शोभा श्री की, पाठ पाठ का यहाँ पे बच्चों अर्थ है जगह जगह, पाठ पाठ यानी जगह जगह चारों तरफ, शोभा श्री यानी कि सुंदरता, प्रकृति की जो सुंदरता है चारों तरफ से जगह जगह पट नहीं रही है, कि समा नहीं पा रही है, इतनी सुंदर इस समय प्रकृति है बच्चों। फागुन के महीने में उसी समय वसंत का माह आ जाता है, तो इतना सुंदर महीना होता है, इतना सुंदर समय होता है, क्योंकि ना तो बहुत ज़्यादा ठंड से बचने के लिए हम खूब सारे कपड़े पहन रहे होते हैं, ना गर्मी से बचने के लिए घर घर हम पंखों कूलरों के नीचे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, उस समय मौसम बहुत सुहाना होता है, इसलिए ये महीना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे कवि ने प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया है इस वाली कविता में।